ठंडी लग गई होगी बेचारे को, और वो अब नहीं रहा, और जो वो मर गया इनके काम का नहीं रहा तो बेचारे को लाके यहीं पे फेंक दिया गया। दस बज रहे हैं अभी और मैं अभी सो के उठाऊँ, क्योंकि लेट इसलिए सो के उठाऊँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये एक अमरूद का पेड़ है और ये पपीते का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है और ये जो है ये ग्रीन पत्ती दिख रही होगी। लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे नारियल का पेड़ उगाने के लिए, ये जो है ये उसका पेड़ है, लीची नहीं सीताफल, हाँ सीताफल का पेड़ है, ये इतना बड़ा हो गया। और ये आम का पेड़ है, छोटा सा बड़ा हो रहा, ग्रो कर रहा है अभी ये, और ये नया फूल का पेड़ है, ये भी जो है ये सीताफल का पेड़ है, और ये बेल है, ये अशोक का पेड़ यहाँ पे लगाया गया है यहाँ पे। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक आम का पेड़ है, ये ग्रो हो रहा है, ये बच्चे लोग यहाँ पे लगाए थे, इतना बड़ा हो रहा है छोटा सा। सो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देखो एक चीज़ ये आंवले का पेड़ है, एक पेड़ यहाँ पर आंवले का, बहुत सारा पेड़ वहाँ पर लगा हुआ है, तो वो पेड़ हम उतना दूर नहीं जाएँगे। तो आंवला बहुत होता है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा आंवला होता है। ये कटहल का पेड़ है, ये भी है, देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ फूल के पेड़ लगाए गए हैं, यहाँ पर रोजेज़ हैं, गेंदे का पेड़ है, ये सब पक गए हैं इसको, लेकिन कोई खाता नहीं है हमारे यहाँ, हमारे सब मन भर गए हैं, सब खा खा के ना बोर हो चुके हैं यहाँ पर, तो हम लोग यही शहरों में ख़रीदते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो पूरा पीला पीला हो गया है, ये पूरा पक चुका है। ये ट्यूबवेल है, आपको पहले ये दिखा देता हूँ, ये देखो एक इंजन लगा हुआ है, एक इंजन यहाँ पे लगा हुआ है, और एक यहाँ पे गहरा सा कुआँ है, और इंजन बहुत पुराना है, ये मतलब 40-50 साल पुराना इंजन हो गया है, इतना पुराना है, तो ये चलता है अभी, अभी भी चलता है ये। ये बेल है, ये अभी एक फल लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, बहुत सारा फल आपको यहाँ पे इसको दिखना, अभी ये कच्चा है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा फल दिख जाएगा यहाँ पे। ये जो इमली आती है ना, इमली का पेड़ है, ये पूरा इमली का पेड़ है, ये सरसों की खेती है, पूरा सरसों का खेती है ये। चलो मैं अभी आपको ना उधर ले चलता हूँ, सामने घर के सामने खेत में, ये है लहसुन, ये आलू की खेती है, तो आलू की खेती है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको आलू, ये देखो ये आलू का पेड़ है, इसको ऐसे उखाड़ेंगे, उखाड़ेंगे ना तो ये देखो एक आलू यहाँ पे निकलेगा, ऐसे खोदते जाएंगे ना ऐसे, आलू निकल रहा है, देखो इतना आलू निकल रहा है, इसमें पूरा दबा हुआ है, देखो आलू, आलू के बाद ये लहसुन दिखा दिया, लहसुन के बाद मैं आपको प्याज की खेती दिखाता हूँ, उसके पहले ये देखिए ये यहाँ पे ये है पत्ता गोभी जो होती है ना हम खाते हैं, पत्ता गोभी भी कुछ खाती है, टमाटर का पेड़ छोटे 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 छोटे, बाद ये फूल को भी देख सकते हैं आप, ये आप देख रहे होंगे ना ये प्याज का छोटा छोटा पेड़ है पूरा, ये देखो ये आप में बहुत छोटे 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 फूल लगे हुए हैं ना, ये है मटर, तो ये छोटा सा मटर का खेती किया हुआ, बीच बीच में सरसों का भी पेड़ यहाँ पर आ गया है, और ये जो आप फूल देख रहे होंगे ना ये धनिया है। तो मैं खेत में घुस गया हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडी है और मैं ठंडी में इस तरह से घुस गया हूँ, चल रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोला कि चल नहीं है, मैं गांव पे आया हूँ, आप लोग को भी शेयर करता हूँ चीज़ें। ये देखिए जहाँ तक नज़र जा रही होंगी वहाँ तक देखेंगे कि ग्रीन ग्रीन की छोटा 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 पेड़ हुआ है, ये सब जो है गेहूँ है। अरे यार पानी आ गया इसमें, गंदा पानी है, लेकिन पानी कब आया ये ख़तरनाक है, इसे भाग चलो। बगीचे में पहुँच चुका हूँ मैं, ये चारों तरफ आप देख रहे होंगे पूरा फॉग है, कहीं कुछ दिखता नहीं है जब तक 12-1 बजे, तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, सामने ही नदी का पानी दिखना शुरू हो गया होगा, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा, और आगे हम कांटा नीचे बहुत बचा के जाना पड़ रहा है, यहाँ पे नदी के किनारे पहुंच गए हैं, ये देखो अरे यार किसका जानवर मर गया, यहीं भी फेंके चले गए यार, यहाँ पे कितने
गंदे लोग रहते हैं यार, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। यहाँ पे कौन फेंकता है यार, छोड़ चले जाओ। किसका है ये यार? पूरा मूड खराब हो गया, गुस्सा आ गया। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर भी रहते हैं, बताओ यार। ठंडी लग गई होगी बेचारे को, और वो अब नहीं रहा, और जो वो मर गया, इनके काम का नहीं रहा था, वो बेचारे को लाके यहीं पे फेंक दिया गया। दुख की बात है यार, गलत चीज़ है। खैर अब वापस आ गया हूँ मैं, अब मूड नहीं है मेरा बनाने का वीडियो। चलो ठीक है भाई, बाय बाय, वीडियो बंद करता हूँ।